हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे अरबिक क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं और 2023 के लिए मॉक टेस्ट रहेगा और एकदम सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ सॉल्व होता रहेगा। मतलब एकदम आप लोग अप्रोच समझ जाओगे कि मेरी अप्रोच क्या रहती है जब एग्जाम हॉल में मॉक टेस्ट देते हैं या फिर एग्जाम देते हैं, रियल में एग्जाम देते हैं, तो रियल टाइम में मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या थिंक कर रहा हूँ, वो सब यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे कि आप लोग पता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट देता हूँ, पूरे चैनल पर मेरी मॉक टेस्ट की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आरआरबी पीओ से लेकर एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क, कोई से भी मॉक टेस्ट हो मैं डाल रखी है, बैंकिंग से रिलेटेड है ना, बैंकिंग से रिलेटेड मैं सारी मॉक टेस्ट की वीडियो डाल रखी है जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे अरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं और 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोग यहाँ पे टेस्ट बुक का यूज़ करेंगे। उनके मॉक का भी लेवल काफ़ी हाई हो गया है और ट्राई करेंगे कि 75 के आसपास मार्क्स लाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे मार्क्स भी ऐसे ही आ रहे हैं इसमें, मतलब 77-71 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। बाकी मैं बायजूस का भी मॉक टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, उसकी भी मॉक टेस्ट मुझे सही लगे तो प्री के लिए है ना, प्री के लिए बता रहा हूँ मैं, मेंस का मैंने अभी तक इतना यूज़ नहीं कराया। तो 1 अगस्त से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 20 जुलाई तक हमारी डेट या फिर एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, तो मतलब 30 से कम दिन है हमारे पास एग्जाम ये प्री के लिए। तो अब मैं आज से सिर्फ प्री 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 का ही मॉक टेस्ट लगाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं मेरे, बाकी मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक भी लेना पड़ेगा, उसके लिए बताऊँगा मैं आपको। तो आज हम लोग यहाँ पे अरबी क्लर्क का एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट नंबर 9 था ये, मेरे दोस्त ने रिकमेंड करा है उसको, उसने कहा था कि लगाना 9th वाला मॉक टेस्ट, तो वही लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, मे भी अगर अच्छा हुआ तो मैं अपलोड करूँगा, है ना। हाँ तो देखो ये रियलिटी है, जो जो कोई मॉक टेस्ट मेरा ना अच्छे आते हैं, जैसे मार्क्स अच्छे आते हैं, अपने कुछ बढ़िया क्वेश्चन कर रखे होते हैं, क्वेश्चन भी बढ़िया होते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्क्स के लिए, क्वेश्चन अगर उसमें बढ़िया होते हैं तो मैं उनको अपलोड करता हूँ। काफ़ी बार यही होता है कि मॉक टेस्ट या देखो बीच में ख़राब भी हो जाता है, या तो लाइट चली जाती है, या तो कोई आ जाता है डिस्टर्ब करने, या तो मेरी पजल बिल्कुल अटक जाती है उसमें नहीं बन पाती है, तो वो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको दिखाना है ना कि हाँ ये देखो मॉक टेस्ट सॉल्यूशन आपको दिखाना होता है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट को जो मैंने पूरे सॉल्व कर रखे होते हैं मैं उन्हीं को अपलोड करता हूँ, जो बीच में ख़राब हो जाते हैं या फिर मेरे जिसमें अटक जाता हूँ मैं उनको रहने देता हूँ मैं। मार्क्स आप देख सकते हो, मार्क्स मेरे मैंने आपको सारे दिखा दिया, लेकिन उससे आपको मैं सॉल्यूशन दिखा नहीं पाऊंगा तो उसका डालने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो वो मॉक टेस्ट अगर ये अच्छा जाएगा तो मैं डालता हूँ, इससे पहले वाला मैं ख़राब चला गया था ना, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, 9th वाला मॉक टेस्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दूंगा मैं, पजल वाला क्वेश्चन लग रहा है, संडे से फ्राइडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, हेलो है, ओ विजिटेड पार्क इमीडिएटली आफ्टर के, के ट्यूसडे को जा रहा है, वो यहाँ पे जाएगा, 3% पी और जे के बीच में, ठीक है, एल विजिट पार्क इमीडिएटली आफ्टर जे, तो जे के मिनट बाद, जे के मिनट बाद एल इधर 1-2-3 पी इधर हो जाएगा, और जे के मिनट बाद एल, जे के मिनट बाद एल इधर और 1-2-3 पी इधर हो जाएगा, क्यू इज विजिट वन ऑफ द डे बिफोर एल, तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी, सेकंड वाली पजल हमारी बन चुकी है। इफ ऑल द पर्सन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा है ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर जे के एल ओ पी क्यू है ना, तो कौन सा चेंज नहीं हो रहा, ओ चेंज नहीं, एक चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब चेंज हो रहे हैं, तो वन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 1 मिनट में पजल हो गई, तो यही होता है अरबिक का जो पेपर होता है बहुत ही ईजी आता है, सबसे ईजीएस्ट पेपर पर होता है, लेकिन कट ऑफ इसकी उसी हिसाब से हाई जाती है, के है के क्यू से रिलेटेड है और जे जो है वो ओ से रिलेटेड है, तो क्यू किस से रिलेटेड होगा, क्यू होगा पी से रिलेटेड, इमिडिएटली ऊपर वाला ट्रू बताना है आपको, एल फ्राइडे नहीं है, क्यू फ्राइडे नहीं है, पी थर्सडे नहीं, जे संडे, जे भी नहीं है, एल फ्राइडे है, मैं यहाँ पर देख रहा था बार बार, एल फ्राइडे है, थर्सडे को कौन जा रहा है, जे, इफ पी और जे इंटरचेंज देयर पोजिशन तो हु विल विजिट 2 डेज बिफोर पी, पी यहाँ जाएगा 2-1 एक छोड़ के के, 10 लोग अराउंड द सर्कल बैठे हैं, ये बाद में करेंगे है ना, छोटी वाली पजल मैंने कर ली है, ये थोड़ी मुझे बड़ी लग रही है, इसको बाद में करते हैं हम लोग। राहुल इज अ सन ऑफ मोहन,
और हरी इज द फादर ऑफ मोनू, राहुल इज मैरिड टू दीना, जो एकदम रिलेट वाले मैं उन्हीं को पहले पुट कर रहा हूँ, बाकी जब देखेंगे। राहुल और मनु सिबलिंग है, मनु हरी फादर है ना, हरी इधर आ जाएगा, ये फादर ये तमत ये फादर हो जाएगा, तो ये मदर हो जाएगा मोहन। नवा इज द ब्रदर ऑफ दीना, ब्रदर मोहन हैज ओनली वन सन, ओनली वन सन मतलब ये डॉटर। कन्वे इज द फादर ऑफ आकाश, आकाश आकाश का जेंडर डिफाइन नहीं है, और देख के तो लग रहा है कि ये लोग मोहन को भी लड़की बना दे रहे हैं, तो जेंडर काफी यूज हो सकता है इसमें। रिलेशन बिटवीन प्रणव और आकाश के बीच का रिलेशन बताना, फादर और कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा फिर तो इसका आंसर। फादर ये फादर सन है, फादर डॉटर है, लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइन क्योंकि इसका हमें जेंडर नहीं पता है ना। देख लेता हूँ मैं, नहीं ऐसा कुछ बोला भी नहीं है उसने। मोहन कौन है, मोहन कौन है, मोहन डॉटर इन लॉ हरी, डीनास फादर इन लॉ नहीं, डॉटर मनु, मोहन इसका कहीं दे नहीं रखा, नन ऑफ दीज आ रहा है। चलो ठीक है, फीमेल होता नहीं है आपको, फीमेल एक दो तीन, तीन और तीन और चार, तीन और चार में से कोई हो सकता है क्योंकि ये फीमेल और मेल कोई भी हो सकता है इसमें से, ट्रांसजेंडर का यहाँ नहीं बोला जाता। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर वाले अपने राइट्स लेके यहाँ बता देना। पी से क्यू, क्यू से नहीं जा सकते, डब्ल्यू से पी, डब्ल्यू से पी, डब्ल्यू से पी, अच्छा पी एक बार बड़ा है, क्यू डब्ल्यू एक बार बड़ा है, तो डब्ल्यू से क्यू, क्यू से इधर नहीं जा सकते, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो कैन नॉट बी डिटरमाइन है ना, इन दोनों के बीच का रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन है, तीनों वो आ रहे हैं, तीनों साइन आ रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इधर और होगा, एक बार पी बड़ा है, एक बार इधर डब्ल्यू बड़ा है, इधर और। जे से गए हैं ए तक, जे से ए नहीं जा सकते, जी से डब्ल्यू गए, जी से डब्ल्यू, जी से डब्ल्यू भी नहीं जा सकते, नीदर नॉर, सिंपल। सी से एम, सी से एम नहीं, सी से एल गए, एल से एम नहीं, ये इक्वल टू नहीं हो सकता, एल से एम जा सकते हैं, सेकेंड रूल। आगे बढ़ो, डब्ल्यू से क्यू, जेड, जेड से एन, एन जा सकते हैं, पहला सही, पहला सही, पहला सही लगा दिया, एल बड़ा इक्वल टू जेड, जेड से एन नहीं, बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वाला साइन आ रहा है ना, ठीक है, तो ये वाला हमारा जो कंक्लूजन है सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू। फर्स्ट क्या रुको, क्या मार्क कर दिया मैंने, गलती मार्क कर दिया क्या, इधर और मार्क कर दिया दोनों, यार क्लिक करने के चक्कर में। एन इज नाइन, एन सॉरी एन इज एट, एट वेस्ट, मैंने नॉर्थ पढ़ लिया, एन को नॉर्थ पढ़ लिया मैंने, गड़बड़ हो गई। एन इज वेस्ट ऑफ ओ, पी इज फोर साउथ ऑफ ओ, क्यू इज फोर ईस्ट ऑफ, आर इज सिक्स नॉर्थ ऑफ क्यू, सिक्स नॉर्थ, मतलब यहाँ दो है, यहाँ चार हो जाएगा। टी इज टू, टू साउथ ऑफ एस, अच्छा ये कहाँ से पढ़ लिया मैंने, आर इज सिक्स नॉर्थ ऑफ क्यू, एस इज एट्थ आर, चार और चार, यहाँ पे एस आ गया। टी इज टू साउथ ऑफ एस, टी इज टू मतलब ये टू है, यहाँ पे चार, और ये आ गया टी, टी की पोजिशन आ जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस और क्यू, आठ ये छह था तो 10 हो जाएगा। इफ पॉइंट ए इज फोर नॉर्थ ऑफ क्यू, पॉइंट ए फोर नॉर्थ ऑफ क्यू, मिनिमम डिस्टेंस पता नहीं एन और ए की, तो यहाँ पे कितना था यार, आठ, आठ चार 12। पी की पी की डायरेक्शन डालते हैं टी के रिस्पेक्ट में, टी इधर है ना, टी के रिस्पेक्ट में, साउथ, साउथ ईस्ट, ठीक है, तो सात लोग हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है, इसका भी मैं बना लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ जो ज़्यादातर पजल को फ्लोर एंड ऐसे ही मतलब फ्लैट एंड फ्लोर के रूप में बनाऊँ, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, एनालिसिस इसलिए कहता हूँ बाद में करा करो, जब भी एग्जाम दिया करो उसको बाद में एनालिसिस जरूर करा करो। ग्रीन वाइट और रेड इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं बची नीचे। यू लाइक वाइट, यू लाइक, यू लाइक, यू लाइक वाइट कलर, आर लाइक ग्रीन कलर, एस इज नॉट लाइक रेड, येल्लो एंड पीच, एस यहाँ नहीं आएगा, क्यू लाइक ब्लू, तो एस यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं, एस यहाँ नहीं, तो एस यहीं पे आएगा, एक ही जगह बची है। पी डज नॉट लाइक येल्लो एंड पीच कलर,
तो पी यहाँ नहीं, पी यहाँ नहीं, पी यहीं पे आएगा, पता लगा बन जाएगी टी पीच पे नहीं है, टी पीच पे नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा, बचा हुआ कौन है वी, वी यहाँ पे आ जाएगा, हमारी पजल जो है बन गई है। ठीक है, ग्रुप में बताना कौन है, टी टी येलो है, वी पीच है, आर आर रेड नहीं है, गलत है, यू सफेद है, येलो कलर किसको लाइक कर रहा है, टी को, रेड इस पी, ऑरेंज कौन है, ऑरेंज है एस, एस एस एस, ट्रू बताना है, पी ब्लू नहीं, टी येलो, टी येलो है, पीच व्हाइट, मैं बाद एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर एक क्वेश्चन में गलत हो जाऊंगा तो दूसरा मतलब जो है मुझे गाइड कर देगा कि हाँ गलत है कि सही है, इसलिए मैं वापस फिर उसे चेक कर लेता हूँ। चलो सिलॉक्स आ गया हमारा, तो सिलॉक्स कर लेते हैं जल्दी से, नो टीचर इज स्टूडेंट, सम स्टूडेंट इज प्रोफेसर, ऑल प्रोफेसर इज प्रिंसिपल, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना, ऑल टीचर बीइंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल टीचर बीइंग प्रिंसिपल, ये पूरा का पूरा उठ के इसके अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि ऐसे बोला है हमें, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ऑल स्टूडेंट बीइंग प्रोफेसर इज अ पॉसिबिलिटी, ना ये गलत हो जाएगा, हाँ ये गलत हो जाएगा, एस पी इस प्रोफेसर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि नॉट वाला पार्ट बोल रखा है, यहाँ पे दोनों पी पी आ गए इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप मार्क कर लिया करो, जैसे मैंने प्रिंसिपल को पी आर आई लिख दिया ना, तो मुझे याद मतलब पता चल जाता है ये प्रिंसिपल है। ओनली फ्यू पावर इज वोल्ट, वॉट नो वॉट इज एम्पियर, फिजिक्स आ गया यहाँ पे, सम पावर आर नॉट एम्पियर, हाँ ये वाला सम पार्ट है वो एम्पियर नहीं है, ट्रू बोल रहा है ये, ऑल वॉट आर पावर, गलत दिख ही नहीं रहा हमको, वॉट पावर के अंदर है नहीं है, पहले ही सही है, ऑल कप आर प्लेट, नो प्लेट इज ग्लास, और सम ग्लास आर बाउल, ठीक है, नो कप इज ग्लास, नो कप इज ग्लास, यस, जब पी ग्लास के अंदर नहीं आएगा तो उसके अंदर का हिस्सा भी नहीं जाएगा, सम प्लेट बींग बाउल इज अ पॉसिबिलिटी, यस हो सकता है, मतलब ये ऐसे करके ऐसे बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ, Only few fruits are vegetable. All vegetable are grocery. All fruit are grocery is a possibility. Yes. Vegetable के बारे में बोल रहा है, grocery के बारे में कुछ नहीं बोला. Some fruit are not vegetable. Yes. Some fruit are not vegetable. ये तो बोला ही है. Some are not. Only few का मतलब यही होता है. Both. इसका आंसर both हो जाएगा. In the given series, how many vowels? Immediately followed by another vowel. तो vowel वॉवल find करना है, तो ए आई यू, ए यू एक दिख गया, आई के बाद नहीं है, ओ के बाद कुछ नहीं है, ई के बाद भी कुछ नहीं है, नहीं एक एक ही दिखा मुझे पेयर, थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट वॉवल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर सॉरी राइट हैंड, फर्स्ट वॉवल ई उसके थर्ड राइट में, एक दो एक्स एक्स एक्स, ये रहा, Of all the letter are given in a series arranged in a alphabetic order. तो बताना क्वेश्चन, इन सबको पूरा alphabetic order में रखना पड़ेगा हमको, है ना, A B C D E F, मुझे लग रहा है ये 26 alphabet ही है शायद, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, A B C D E F जी 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 नहीं है इसमें, जी है, जी जी एच आई जे के एल 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 एम एन ओ पी क्यू, हाँ तो ये सारे लेटर मुझे लग रहे हैं अल्फाबेट अल्फाबेट की हैं, तो मतलब यहाँ से बस ए बी सी डी का काउंट करो और इसमें से कोई ना कोई तो आएगा ही, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस T U V, V आ गया, V, V जो है वो पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, बाकी सब पोजिशन चेंज कर रहा है, नॉट चेंज द पोजिशन बोला उसने, V, हाउ मैनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, एक दो तीन चार पाँच, के का क्या होता है, जंगल कोई, दस ग्यारह, ग्यारह और क्या बोला उसने, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक दो तीन चार पाँच छ सात सात, एस नाइनटीन,
डिफरेंस 8 माइनस 1, हमारा आंसर हो जाएगा 7। 4 एक जैसे हैं, एक कोई अलग है, तो फाइंड आउट वन आउट है वाला सिस्टम है। ओ क्यू ओ ओ एन एक छोड़ के क्यू, एक्स जे एक छोड़ के डी आई एक छोड़ के ओ आर बी आर बी जेड दो छोड़ के, ये गलत हो गया। ठीक है, तो 6 लोगों की हाइट दे रखी है, बना लेते हैं यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1। 20 टॉलर देन ओनली सी, तो बी सिर्फ सी से टॉलर है, बाकी सबसे शॉर्ट है। ए इज लेस हाइस्ट देन एफ हु इज ई ओनली 2%, ए और डी की बीच में 2%, तो ए डी ई एफ बन गया, इजी था। द पर्सन थर्ड लोएस्ट एंड टू 160 हो जाएगा ये। थर्ड टॉलेस्ट 1, 2, 3 एफ। पॉसिबल हाइट ऑफ एफ इज 40 और 56। टॉलेस्ट अमंग ऑल डी। इसको बाद में करेंगे। 6 लोग हैं स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। क्यू इज एग्जैक्टली बिटवीन एस और आर, तो एस और आर के बीच में क्यू हो जाएगा। एग्जैक्टली बिटवीन एस और आर कॉर्नर पे नहीं बैठे, तो मतलब इधर कोई ना कोई बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 लोग हो गए। यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, 1, 2, U इधर आ जाएगा, 1, 2, U इधर आ जाएगा। टी इज नॉट कॉर्नर पे नहीं बैठा, टी इधर बैठ जाएगा फिर। हु इज राइट कॉर्नर बताना, राइट कॉर्नर पे यू है, यू दोनों पॉसिबिलिटी से यू ही आंसर आ रहा है हमारा। तो एक पजल बची है हमारी, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर लोग हम आगे मूव ऑन करेंगे मैथ सेक्शन पे। ठीक जा रहा है पेपर, मतलब ठीक जा रहा है, मुझे लगा नहीं था, मतलब बस इस क्वेश्चन को देख कर, बाकी पूरी रीजनिंग छोड़ के, इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी पूरी रीजनिंग ईजी थी लग रही थी मुझे। 10 लोग हैं, सर्कल है, अंदर फेस कर रहे हैं, सब मेल है सब फीमेल है, अच्छा ब्लड रिलेशन तो नहीं है इसमें, सब मेल और फीमेल है, ठीक है। बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1, 2, B। एल इज मेल एंड फोर्थ टू द राइट ऑफ एन, एन एल मेल है, तो मेल और फीमेल का बना लेते हैं यहाँ पे कॉलम, एल इधर आ जाएगा। ए इज यूनिट नेबर ऑफ के, ए इज यूनिट नेबर ऑफ के, तो ए इधर एक बार, पॉसिबिलिटी तुरंत ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए इधर आ जाएगा। क्या बोला उसने, बोथ इमिनेंट नेबर ऑफ ई इज मेल, ठीक है। 4 मेंबर आर स्टूडेंट एम, और 1, 2, 3, 4 एम। बोथ इमिनेंट नेबर ऑफ एल इज फीमेल, नॉट मोर देन 4 फीमेल, सो ज्यादा तो 4 होंगी, उससे ज्यादा फीमेल नहीं होंगी। डी इज अ फीमेल मेंबर, डी इज अ फीमेल मेंबर हो गया। सेट इमिनेंट राइट ऑफ जे, पर्सन हू इमिनेंट राइट ऑफ जे, पर्सन हू इन फ्रंट ऑफ ए इज अ फीमेल, फीमेल फीमेल। बी इज सिटिंग इमिडिएट राइट ऑफ जे, जे इधर आ जाएगा। बी इज सिट इमिडिएट राइट ऑफ जे, ये क्या था यार, डी वाला भी तो बोल रखा था, डी इज अ फीमेल एंड इमिडिएटली, अच्छा इमिडिएटली बोला सिर्फ, अच्छा जे यहाँ पे हो जाएगा, इमिडिएटली मतलब डी यहाँ पे हो जाएगा, इमिडिएटली बोला था, राइट और लेफ्ट नहीं बोला था, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, हमारी वाली सही चलेगी। और क्या बताया इसमें, एन के थर्ड, एन 1, 2, 3, एन इधर, एन माइनस है, एल इधर आ जाएगा, एल प्लस। और टू पीपल्स बिटवीन एन और ई, 1, 2 छोड़ के ई इधर आ जाएगा, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, अच्छा ठीक है, पूरा बन गया, पूरी पजल हमारी यहाँ बन गई है। 4 टू द राइट ऑफ एम, 1, 2, 3, फोर्थ टू डी, थर्ड टू द राइट, 1, 2, 3, थर्ड फोर्थ पढ़ रहा हूँ मैं। एल आ गया यहाँ पे, मेल मेल इन द ग्रुप बताने हैं, तो फीमेल नहीं पता यार मुझे, डी ए के सामने वाली फीमेल है, ठीक है, एल इधर आ जाएगा। बोथ इमिडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल, तो यहाँ पे भी मेल है, कौन है यहाँ पे, ए बी सी, सी है, सी सी मेल है, और कौन है यहाँ पे, बोथ इमिडिएट नेबर ऑफ एल इज फीमेल, ये फीमेल ये भी फीमेल, तो ई और ए यहाँ पे आ जाएगा,
डी इज ए फीमेल पर्सन, तो चार से ज्यादा नहीं होंगे, चार हो गए तो मेल पता चल जाएंगे हमें, 6, 10 में से 4 गए 6। करेक्ट बता रहे हैं डी के अकॉर्डिंग करेक्ट कौन सा है, डी इज अ मेल, डी तो फीमेल है, डी सेकंड टू द राइट ऑफ ए, सेकंड सही है, सेकंड सही है, डी इज जस्ट सिटिंग बिटवीन ए और जे, नहीं गलत, तो सेकंड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। के विद रिस्पेक्ट टू एन, 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट, यार हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए और ई और डी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ डी, 1 2 3 4 पांच, पांच ई और डी, पांच पांच, 1 2 3 4 5, पांच है। तो 26 मिनट बचे हैं हमारे पास, अब हम लोग इस पे चलते हैं, रेशियो बिटवीन कॉस्ट ऑफ पेन बुक एंड नोटपैड इज 3 1 4, नोटपैड की कॉस्ट 48 है, 2 पेन बताना है आपको, है ना, 2 पेन बताना है, 12, 12 दिन छत छत 12 3 36, 36 का दुना 72। डायगनल्स टू टू स्क्वायर्स के हैं 5 और 7, आपका उनका एरिया बताना है, तो एरिया इसका दुगना हो जाएगा, 49 है ना। डायगनल्स क्या होता है, रूट ए ऐसे होता है, ए साइड होती है, ये डायगनल होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता होगा, नहीं तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, देखते हैं, आर्टिकल 400 ईच, 3 आर्टिकल 400 ईच, एक को लॉस बेचा है, 360 बेचा है, दो को 2 आर्टिकल्स हो रहा है 20% गेन, 20% मतलब 48, 48 फुल ट्रांजैक्शन गेन होता ना। अच्छा नहीं, ऑन द अदर टू आजकल सोल्ड एज टू द गेन ऑफ 20% ऑन द होल है, ऐसे ये लोग प्रॉफिट बेचे गए हैं, लेकिन ये नहीं पता कितने पे बेचे गए हैं, तो 1200, 1200 का दोगुना कितना हो जाएगा यार, 12 12, 1440, 360, 4 4 8, 1080, 1080, ये कितने का प्रॉफिट हुआ है, ये 800 पे, 40 5 4 20 27, 7 का प्रॉफिट हुआ है, 20 पे 5 35%, 35% 35% ये एवरेज एज ऑफ ए बी और सी इज 24, 24 मतलब 3 3 करेंगे तो 60, और ये 12, ये मतलब 72, 72 आ गया। 4 ईयर फ्रॉम नाउ बी और सी है 30, अच्छा एवरेज है 30, तो ये 60 हो जाएगा, 4 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब इसमें -8 कर देंगे, 52 इसमें से कट जाएगा, तो 20 आ गई, ए की वैल्यू, ए की एज आ गई 20, तो ए का ही पूछा गया, ए का आ गया हमारा आंसर, क्लिक हो जा भाई। अच्छा अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हो गया हो गया। ये अभी बात करते हैं हम लोग, पहले कुछ अर्थ मैं सोच रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन मिल जाए मुझे, 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना, 26 वाला गलत लग रहा है, बाकी तो ये 9 के मल्टीपल लग ही रहे हैं मुझे, 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है शायद हर किसी में। ओके क्या हो गया से, आठ 26, 18 26, 8 20, एक तो इसमें रॉन्ग नंबर होता ना यार, इसमें नहीं समझ आ रहा है, 20 8 8 28 हो रहा है यहाँ पे, तो 28 प्लस 10, 38 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डबल डिफरेंस भी नहीं है, 75 74, ऑल्टरनेट पे लेके चले तो यहाँ पे कितना है, 2 3, यहाँ पे कितना है, 3 5, तो यहाँ 4 होना चाहिए, 4, ये 122 गलत होगा, 4 न, 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 न,
नहीं, वो एक क्या है, 74 से गया तो प्लस 2 हो रहा है, फिर प्लस 3 हो रहा है, यहाँ से जाएंगे क्या हो रहा है, -3 -5। अच्छा ये 4 होगा, 79 गलत है, 79 गलत है। ओके, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 4 गुना, ये गलत है, 4 गुना होगा, 4 फिर 5 गुना, हाँ सही है, 288 का हाफ करेंगे, 144 0 आ जाएगा, 5 गुना हो जाता है, 1 4 16 होना चाहिए, 9 होना चाहिए यहाँ पर मेरे हिसाब से, तो 9 16 25, 112 में 25 गया, 87 13, 13 और 25, हाँ तो 9 और 16, 9 और 16 में से कोई गलत होगा, 41 में 9 गया, 1 गया, 37 में से 9 गया, 29, ये 118 गलत है। डीआई आ गई है तो डीआई भी हम लोग साथ में करते चलते हैं। डेटा दे रखा है फ्रिक्शन बुक का, डेटा दे रखा है फ्रिक्शन बुक का, डेटा दे रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, रिटेल दे रखा है मतलब यहाँ पे 520 भी किए हैं, यहाँ पे 800 810 हो गई हैं, 810 मतलब इनका बीच का गैप कितना हो जाएगा, 9 2 290 290, 810 810 में 1080 मतलब 90 90 और 80, 90 नहीं 190 और 80, 270 270, ये कितना हो जाएगा, 20 और 120, 140 140, ये सोल्ड वाली बुक आ गई है। द रेशियो ऑफ फ्रिक्शन बुक एंड कॉमिक बुक मार्च मार्च का फ्रिक्शन बुक 3 नहम, कितना कॉमिक बताना है, 7 7 कर देंगे, 360 वो 630। फिक्शन बुक जनवरी, फिक्शन बुक जनवरी 520, फिक्शन बुक जनवरी 520 520 एंड फिक्शन अप्रैल अप्रैल 140, 26 7, टोटल नंबर ऑफ फिक्शन बुक फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च का 70% मई में है, तो टोटल बुक मई बतानी है, 70% इस 70, अच्छा इस 70% इस 70% तो मई में बतानी कितनी है, 8 800 800 800, गलत पड़ा, मुझे लगा 70% बताना है उसका, इज लिखा था वहां पे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन अप्रैल, फ्रिक्शन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक फ्रिक्शन फरवरी, फरवरी 29 29 30 मान लो, 40 7 15 14 मान लो, 3 4 3 4 12 20 46.77 मिलते हैं, 46 से तो बड़ा ही होना चाहिए, 29 है, 46 से बड़ा है, मुझे यही दिख रहा है, 47 मुझे लग रहा था, 47 के आसपास आएगा या 48 दिख रहा है, चलो 48 पे मार्क कर देते हैं। फिक्शन बुक इन मार्च प्राइस बताया है उसने 420, तो आपको जनरेट बताना है मार्च से कितना हो, 27 14 29 4 3, 1134 1134 1134 वही रहा। सिंप्लीफिकेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम लोग जल्दी से, 343 डिवाइड बाय 49 घटेगा 7 14 2 6 6, 19989 गया तो 0, ये हो जाएगा 11 11 डिवाइड बाय 11, 10 10 और 6 का डिफरेंस, वो 16 का डिफरेंस है, 65 माइनस 8 प्लस 249 इजिकल टू माइनस मतलब 40 हो जाएगा, 8 गया तो 241,
और 65 4 4 1 6 46 46 कहाँ पे है यार? परसेंट ऑफ दिस एंड 58% और बाप रे, इसमें पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा मुझे, जो कि मुझे अभी नहीं करना। पहले हम लोग आसान क्वेश्चन ढूंढेंगे जिनमें टाइम लगेगा, वो नहीं वर्थ इट नहीं है इतना ही है। 4382 370 2104 6.5 मतलब यहाँ जीरो जाएगा प्लस 9। अरे बाप रे बाप, तेरह अट्ठे 104 छः और दो 8 पॉइंट लगेंगे, जीरो लगाएंगे, 13 96 इंटू 2 है, 308 आएगा। हाँ 11 था मैंने, जीरो तो आ दिया, 12 16 17 6 9 ऐड करेंगे इसमें, 627 के आसपास, ये रहा 627 के आसपास है ना, यही होना चाहिए, गलत ना हो जाए यार, 27 10 के आसपास यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, 26 ये रहा, तो देखा यार 26 ही बन रहा है क्या, एकदम पॉइंट में निकालना था यार इसका, तो चलो इस पे लगा देते हैं 26 क्योंकि इसका टोटल 26 ही बन रहा है, 26 ठीक है। ओके यहाँ पे 7/8 और एक्स प्लस 52 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 है तो इधर जाएगा 4 वो 104 हो जाएगा 104 48 हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 52 और 56 64। तो सिंप्लीफिकेशन इसमें मैथ का लेवल थोड़ा लग रहा ठीक ठाक 30 2 15 19 15 नहीं 60 65 65 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया उसको। वेसल अस ऑक्यूपर रिमूव सम पेट्रोल एंड रिप्लेस विद डीजल द प्रोसेस डन बाय 2 टाइम्स। नहीं बता पाएंगे नाइन कम्फर्टेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नाइन कम्फर्टेबल होनी चाहिए ना। रिजल्टेंट पे ये आ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ डीजल ही एडेड टू द मिक्सचर, अगर लास्ट में आ रहा है तो ये ऐड में भी इतना ही होना चाहिए यार, कुछ भी सकता है। नहीं, मैं इसको क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा क्योंकि इसको करने का यार वही एक तरीका था, मैं भूल गया वापस से। 9 बच्चे काम करते हैं 360 दिन में, 18 मैन 62 दिन में, 12 वुमेन, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं है ना, काटते हैं किससे कटेगा, 12 3 12 6 12 81 3 15 9 2 9 3 5 3 3 तो 5 2 और 3 आ गया है ना। इसे इक्वल टू मैं रेशियो में करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 30
10 और यहाँ पे 6, सी एम और डब्ल्यू का ये आ गया रेशियो में। क्या निकालना है हमको? फोर मैन, फोर मैन मतलब 60, 10 चिल्ड्रन मतलब 60, 12 वुमेन मतलब 120, 100 मतलब 240 लोग हैं कितने दिन में काम करेंगे, तो इक्वल टू रख दो 6 × 9 × 360, काट लो 2 3 3, 3 3 9 9 81, 81 डेज में है। इनका इनका लेवल ठीक ठाक लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत, है ना, अर्थमेटिक का भी। टू बिस्किट है, पार्ले जी है, क्रैक जैक है, सेलिंग प्राइस बहुत सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम है, फॉर सम फॉर द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ पी ऑफर टू टू से। अच्छा, इनके सेलिंग प्राइस को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो मतलब इसको अगर एसपी मान लो इज इक्वल टू एक्स, 7/10, 8/10, तब जाके इसका सेलिंग प्राइस बनेगा। और वाइल क्रैक जैक इज बाइंग, ये भी डिस्काउंट में बाय हो रहा है, एसपी सेम ही है, और ये 8/10, ये वाइल ले लेते हैं 8/10, और 25% पे 1/4, 3/4। तो हमको क्या निकालना है, मार्केट मार्केट प्राइस निकाल, मार्केट रेशियो निकालना है। तो एक्स 7/10, 8/10 इज इक्वल टू वाई 8/10, 3/4, 8/10, 8/10 गया 5/2, ये 14, ये 15, तो एक्स वाई इजल टू 15/14, मार्केट 15/14 ये रहा। तो ठीक है, हम लोग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गए हैं। मैं क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर 3 ऊपर 12 बना दो, तो 12 इसको बना दो, 12 इसको बना दो, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 4 16, और ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 9 इक्वल टू 3 से 72, 120 इक्वल टू माइनस माइनस करेंगे, मतलब सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 25, 25 नहीं यार, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कितना जाएगा 7 7, 120 बाय 7 वाई इक्वल टू 120। इसलिए मुझे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कटेगा ही नहीं, वाई की वैल्यू इतनी गंदी तो नहीं आएगी। एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2, प्लस का 2 माइनस का 2, ऊपर ऊपर ग्रेटर छोटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, नीचे नीचे वाला बड़ा, वाई बड़ा, साइन से 15, 1 दोनों प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 11 4, 11 4 कैन नॉट डिटरमाइन, 9 7 बड़ा नीचे वाला बड़ा, क्योंकि दोनों सब कुछ प्लस प्लस में है। सरकमफेरेंस ऑफ बेस और हाइट मेंशन, रवि इन्वेस्ट, रवि का इन्वेस्टमेंट है 6/5 आफ्टर फ्यू मंथ, विपिन ज्वाइन 7/0 एट द एंड, मतलब इसने इसने आफ्टर कुछ करा है, डिवाइड होता है 26/21 में, 2 जा 5 जा 14 जा 2 जा 3 जा 6 जा 18, एक्स 18 आ रहा है, नहीं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, 65 70 26 21, 70 दहम 3 5 2 6 2 3 9, एक्स इज टू 9, हाउ आफ्टर हाउ मैनी मंथ, 3 महीने के बाद, 3 और 9 12 होता है, फिर रेस्ट ये भी नहीं हो पाएगा अभी, सिंपल इंटरेस्ट और फोर्थ सिंपल इंटरेस्ट 4 से करेंगे 44,
इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25, 2 साल के लिए 20%। 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 1000, 1000 इसका भी 1/5 मतलब 200, तो 2200 आ गया, 2200 आ गया। तो मतलब क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट दुगना है इसका, तो मतलब 4400 है, 44 मतलब 1 10,000, 10,000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन द सम, डिफरेंस इन फाइंड द डिफरेंस इन द सम बोला है ना, 10,000 इधर है उधर 5,000 है, तो 5,000 आंसर हो गया। 5 DI आ गई है, 6 क्वेश्चन DI में। ओके यार, क्वेश्चन बहुत ही कम हुए हैं। रेशियो बिटवीन बोट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, यही हो जाएगी इनकी, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1। स्ट्रीम 11:3, 33:33 स्टिल इन वाटर। ओके रीजनिंग में देख ले, रीजनिंग में सब कुछ अटेंड कर लिया है मैंने। तो ये DI मुझे करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं कोई और क्वेश्चन कर नहीं पाऊंगा। 5 मिनट बचे हैं। 5 स्कूल है, ए एंड बॉयज और गर्ल्स है, ABCDE। ए में 420 है, बॉयज एंड गर्ल्स होंगी इसमें, विच इज 15%। 15% 420 इक्वल टू 3 1 4 2 28, 2800, 2800 टोटल स्टूडेंट है, इसमें बंटवारा होगा। बी इज 1/5 ऑफ टोटल, 1/4, 1/4 मतलब 700। बॉयज एंड गर्ल्स इन 4 और 4 3, 4 3 मतलब 7 7 मतलब 6 6 6, और ये हो जाएगा 180। स्टूडेंट सी इज 1/2/3, 2/3 मोर देन डी, तो ये 5x, ये 3x। द रेशियो ऑफ बॉयज 6 और 5, बॉयज इन बी इज 200% ऑफ द गर्ल्स इन सी। स्टूडेंट इन ई इज 11 ऑफ डिफरेंस बिटवीन सी ए और ए, सी और ए मतलब सी 5x मतलब 420। बॉयज इन डी इज 50% ऑफ गर्ल्स इन बी, इसका 50% है बॉयज। सी के 350 बॉयज हैं, अब कैसे निकालें, 2800 1120 80761, तो 5x प्लस 3x प्लस ये ई की वैल्यू है, तो फाइव एक्स प्लस 420 इजिकल टू 8x प्लस 55x माइनस माइनस जो कि इधर जाके प्लस हो जाएगा 4242264, 4620 10 कैरी का 1 6 6 12 1 13 3 63, ये 63 हो रहा है। एक्स एक्स इजिकल टू 100 आ गया, तो ये 500 है, ये 150 जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा जो बचा होगा, ई हो जाएगा ना 1680 और 800, 8 8 8 8 0 आ गया यहाँ पे, 11 11 8 480, 400।
बॉयज इन बीच 200% ऑफ सी ऑफ बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और बी कहाँ गया, बॉयज इन बीच गर्ल्स ऑफ सी का 200, मतलब ये 200 क्या बोला इसने, ये 150 है, 150 का 300 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और डी इज 50% ऑफ बॉयज, 50% मतलब इसका ये 200, ये 100 हो जाएगा। तो हमारे जो है डी आई बन गई है डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 2/3, 2/3 ऑफ बॉयज ऑफ बी 200 एंड 50% मतलब 1/5 ऑफ गर्ल्स ऑफ सी और ई, गर्ल्स ऑफ सी और ई 550, इसका बीच का 90 है। ओके ये तो काफ़ी हाई लेवल थी। फीस इज 233 पर पर्सन, 233 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की 200 है, बॉयज और गर्ल्स की 200 है ए में, ए मतलब 240 180। एंड टोटल फीस बतानी है आपको, इफ गर्ल्स 20% डिस्काउंट पाती हैं, 20% डिस्काउंट मतलब 160, तो इनको अगर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, ऐड करने में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 6, 3 और 3 6 10, 1400, 9 और 8 17, 1570, 1 2 3 7 11, 5 और 3 13, 1 2 3 0, 4 0, 340 है यार। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन 80, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी ओ डी, बी ओ डी 500, तो उससे बड़ा कौन होगा, 500 बचा, जो बचे हुए होंगे 500 होंगे। अरे यार ये पूरा मेंस लेवल की पीओ लेवल की लग रहा है मुझे। रेशियो बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए बी डी, ए बी और डी कितने हैं, 100 हैं, 284, 68 कहीं है, 68 ये रहा, 68 मैं ब्लाइंडली मार रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 68 ओनली है। ओके तो अभी भी 1 मिनट बचा है मेरे पास, रुको 1 मिनट बचा नहीं है लेकिन यहाँ पे टाइम रुक पॉज सा हो गया है, ये टेस्ट बुक वाला पता नहीं क्या ग्लिच है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट दिखा रहा है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे था ना, इसका कर लेते हैं 233 24 12 13 8 9 6 6 4 2 9 5, 5 5 5 5 9 2 5 5 9 2 1 8 0 1 6 0, 80 81 80 108, 2 8 8 0, 8 4 7 2 8 4 7 2, ये रहा। पर हम लगाएंगे नहीं यार, लगा दे 33 अटेम्प्ट इसमें है, अब मुझे सबमिट कर, मैं सबमिट करता हूँ है ना, पता नहीं इसमें क्या ग्लिच्चा हो गया, देखो हाँ आप सबमिट हो गया, ये ऐसी ग्लिच इसमें होते रहते हैं कभी कभार, टाइम भी ऊपर नीचे दिखा देता है ये, अभी मैंने एकदम बिल्कुल छुआ भी नहीं है, देखना इसमें कुछ कुछ ना कुछ तो टाइम ऊपर नीचे होगा, पूरा पूरा 45 मिनट्स नहीं होगा, हमने तो ज़्यादा ही टाइम लिया है, देखो इसमें 45 मिनट्स और 18 सेकंड, ठीक है 18 सेकंड वही है जो मैंने अभी ये कैलकुलेशन करी है उसी का 18 सेकंड दिखा रहा है, और 68 मार्क्स आए हैं, नहीं हो पा रहा था भाई, इसमें मैथ का लेवल काफ़ी हाई था, रीजनिंग मैंने बोला था एकदम बहुत ही ईजी लेवल आया है, लेकिन जो मैथ का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये रहा आज का टेस्ट मेरा, टेस्ट बुक का, जिसमें मेरे 68.5 मार्क्स आए हैं ना, रैंक अच्छी खासी आ गई है, परसेंटेज अच्छी है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं हमसे, मैथ में एक गलत हुआ है, मैथ में एक गलत हुआ है और रीजनिंग में भी एक गलत हुआ है, दो गलती हुई है शायद, तभी मार्क्स में कहाँ है, या फिर एक गलती हुई है, मैथ में एक गलत हुआ है,
रीजनिंग एकदम ठीक था। नहीं, रीजनिंग में भी ये गलत हुआ है, एक ये गलत हुआ है। ओके, कैसे गलत हो गया? जी बड़ा है, ये पहला वाला सही था, पहला वाला सही था। न्यूमेरिक में भी ये गलत हो गया, ये ईयर निकालने में गलती हो गई। परसेंटेज ऑफ ई 20, 20 निकाली थी ना मैंने, 20 निकाली। अब 20 ही तो निकाली थी मैंने, सॉल्व में 20 करा था, इसमें 30 मार्क दिखा रहा है, 30 मार्क कर दिया गलती से। चलो मैं देख लूंगा रिकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो ये रहा आज का टेस्ट। होपफुली आपको देख के थोड़ा सा मतलब पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप भी करे हैं, मुझसे हो नहीं पा रहे थे, मैं देख के समझ गया था नहीं हो पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन ये भी नहीं हो पा रहा था, इसका पता नहीं क्या लॉजिक था। टू का स्क्वायर प्लस 10, 4 का स्क्वायर प्लस। अब ये लॉजिक इतनी जल्दी हिट नहीं होंगे ना, एकदम न्यू लॉजिक है, इसके लिए मुझे सॉल्व करनी पड़ेंगी इनकी पीडीएफ जो आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 30 दिन से भी कम टाइम बचा है।